देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम फिफ्थ में थे ना? हाँ मैडम, और मैथ्स में तो मुझे एक बार 100 में से 100 मार्क्स आए थे। वाह क्या बात है, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। कृष्णा नुपुर को हेल्प करेगा। ओके ओके, अब मन लगा के पढ़ो। थैंक यू। किस बात के लिए? मुझसे पढ़ने के लिए हाँ बोलने के लिए। अब बताओ क्या पढ़ना है? मुझे ये 10 डिवाइडेड बाय 2 नहीं आ रहा। अच्छा, ये तो इतना इजी है। ये देखो, ये 10 बिस्किट है, हमें इसके 2 पार्ट करना है। ये देखो 1, एक तुम्हारा एक दीदी का, 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 एक तुम्हारा और एक दीदी का। तो जो ये बिस्किट्स है वो है डिविडेंड, और तुम दोनों जो हो वो हो डिवाइडर। तो ये तुम 2 हो इसलिए 2 का टेबल बोलो। 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 2, 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = बस बस बस, ये जो 5 है ना वही तुम्हारा आंसर है। समझ में आया? हाँ, बहुत इजी है ना। नहीं नहीं आया समझ में। तो फिर से समझाता हूँ मैं। ये 10 डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो हमें 10 को 2 हिस्से में करना है। तो ये 10 बिस्किट है, हमें इसे 2 में डिवाइड करना है। ये एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और ये। अब समझ में आया? मतलब इस बुक को भी 2 में डिवाइड करना है। ये क्या किया दीदी? आपने मेरी बुक भी फाड़ दी। मुझसे क्या पूछ रही हो? जिसने फाड़ी है उससे पूछो। मैंने थोड़ी ना फाड़ी है ये। तुमने मेरी बुक क्यों फाड़ दी? मैंने नहीं फाड़ी। ये ऐसे नहीं मानेगा, अब मम्मी इसकी खबर लेगी। मम्मी देखो उस लड़के ने क्या किया। मम्मी और पढ़ाने को कहो उस लड़के को। देखो बेचारी नूपुर की बुक ही फाड़ दी। किसने? कृष्णा ने? हाँ। नहीं मैं नहीं मान सकती वो ऐसा कर सकता है। मम्मी आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है, हम सही बोल रहे हैं, है ना नूपुर? नहीं बेटा, तुम पे ट्रस्ट है लेकिन कृष्णा पे भी है, वो नहीं कर सकता ऐसा। कृष्णा तुमने नूपुर की बुक फाड़ी? देखा मम्मी, कुछ बोल ही नहीं रहा। मतलब इसी ने नूपुर की बुक फाड़ी है। बोलो कृष्णा, आस्था सही कह रही है क्या? हम मंगवा देंगे तुम्हारे लिए नई बुक, तुम जाके पढ़ाई करो। लाओ यहाँ में दो, जाओ। और तू खड़े खड़े यहाँ क्या देख रहा है? जा जाके अशोक के बाबूजी के पैर दबा दे, जा। जी मालकिन। अम्मा क्या बात है, आपने बात ही पूरी नहीं होने दी। कुछ समझ में आया? क्या? वो लड़का कुछ नहीं बोला, बिल्कुल चुप रहा। हाँ? हमने खुद देखा, उसने किताब नहीं फाड़ी। पर किताब तो फटी है, फिर किसने फाड़ी? किसने? अरे आस्था और नूपुर के अलावा कौन था वहां? लेकिन वो खुद की। समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? उस लड़के के यहाँ रहने से क्या असर हो रहा है दोनों बच्चियों पर? तूने अपनी बच्चियों को हमेशा सच बोलना सिखाया, वो झूठ बोलने लगी है यशोदा। नहीं
नहीं नहीं ये तो गलत बात है। गलत तो हो ही रहा है ना बेचारी बच्चियों के साथ, उनका हक छीन के किसी और को दिया जा रहा है। अम्मा उनका हक छीन के किसी और को कैसे दे सकती हूँ मैं, मेरी बच्चियाँ है, जो उनका है वो किसी और का हो ही नहीं सकता। अरे पर ये सब समझने के लिए वो बहुत छोटी है यशोदा, उन्हें तो यही लगता है ना कि वो लड़का उनसे उनकी माँ को छीन रहा है, बस उसे नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ये सारी हरकत की। झूठ बोला तुमसे ताकि तुम उसे डांटो और वो तुम्हारी नजरों में गिर जाए, बस इसी बात का डर था हमें और हमने तुम्हें समझाया भी था, चेतावनी दी थी तुम्हें कि समाज सेवा तो कर लेना पर घर की सुख शांति की कीमत पर नहीं। पर नहीं, तुमने हमारी बात ही नहीं सुनी। अब देख लो बच्चियों ने झूठ भर बोलना तो शुरू कर दिया है, अब आगे पता नहीं और क्या क्या देखना है। तैयार रहना। क्या हुआ था? दीदी उस लड़के को तुम अभी डांटे हैं? मम्मी हम पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती नुपुर। हाँ पर मैंने मम्मी की आंखों में आंसू देखे सब उस गंदे लड़के की वजह से। पापा भी सैड थे। मुझे पक्का लगता है कि हमारे आने के बाद ना उस लड़के ने मम्मी को सब कुछ सच बता दिया होगा और मम्मी ने पापा को, अब हमें पापा से डांट पड़ेगी नूपुर। पापा तो इस तरह भी आ रहे हैं दीदी। मम्मी पापा हम पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते नूपुर, सब उस लड़के पे करते हैं। उस लड़के ने झूठ बोला फिर भी सब उसी की बात मानते हैं। उस लड़के ने तेरी बुक फाड़ दी फिर भी उसे सजा नहीं मिली। हमारा कोई भी नहीं है नुपुर, कोई भी नहीं। ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है पापा, उस लड़के के आने के बाद से हमें कोई प्यार नहीं करता, सब उसे ही करते। हमने क्या किया है पापा? अब तो मम्मी हमें छत पर तारे भी नहीं दिखाती, वो भी टेंशन में रहती है और आप भी टेंशन में रहते हो। पहले आप दादाजी से हमारे लिए लड़ते थे कि हम लड़कियां हैं तो क्या हुआ, पर अब आप उस लड़के के लिए लड़ते। हम आपकी बच्ची हैं, वो लड़का आपका क्या है बताइए ना पापा। कोई भी नहीं, अब रोइए मत प्लीज। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरी वजह से कोई इतना परेशान हो जाए। मेरा अपना कोई नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ और अनाथों का कोई नहीं होता और ना ही वो किसी के होते। ये बात मुझे अनाथ आश्रम वाली मैडम ने बोला था, मेटल मैडम। अब रोइए मत, मैं हमेशा के लिए नहीं रहूंगा, सिर्फ 6 महीने। 6 महीने पूरे होते फिर मैं यहां से चला जाऊंगा, कभी लौट के नहीं आऊंगा। इस घर का नौकर हूं,
आपके मम्मी पापा मेरे कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके। आप बोलेंगे मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाऊंगा, पर नहीं जा सकता। अगर मैं जाऊंगा तो पुलिस वाले तुम्हारे मम्मा पापा को बहुत परेशान करेंगे। मैं नहीं जा सकता, मैं इस घर में हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ लाली तो जी, कैसे हैं? अरे भाई साहब, हमने सुना कि डील हो गई आपकी। क्यों? गलत सुना है आपने। आपके बिना कैसे डील हो जाएगी? महंगी चीजों को शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए, मगर आप तो। अरे आप सस्ती महंगी छोड़िए, आप तो खाली डील पे फोकस कीजिए, बस वही कर रहे हैं। पर किसी के घर में घुसना इतना आसान तो नहीं, आप रास्ता बनाइए। अरे एक रास्ता बंद होगा तुम दूसरा रास्ता खोल देंगे, 100-100 रास्ते हैं हमारे पास। लेकिन एक सुनिए, कमीशन हमारी 20% बढ़ जाएगी। जी जी, अरे कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, डील फाइनल। तो फिर हम पेपर बनवा रहे हैं। हाँ क्या? पता नहीं ये आदमी हमें कौन सा पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अरविंद। हाँ माँ। बेटा शाम को आते वक्त ये किताब ले आना, बच्चों की फट गई है। ये कैसे फट गई अम्मा, वो भी दो हिस्सों में? अरे वो है ना वो लड़का कृष्णा, वो बच्चों को पढ़ा रहा था, अब पढ़ते पढ़ाते बच्चों से फट गई। पढ़ा रहा था? वाह क्या बात है। देख लो अम्मा, हम लोगों ने इस घर में नौकर बना के छोड़ा है उसे। टैलेंटेड बच्चा है वो, वरना अभी समझो मैथ्स पढ़ाने में बड़े बड़े खड़े खड़े बैठ जाते हैं। क्यों बाबू? मतलब बच के रहना आप, आपका कंपटीशन आ गया इस घर में। बढ़िया कमाल का खतरनाक टीचर लग रहा है हमें। हाँ कमाल का टीचर है, जिसने पढ़ाया तो कुछ नहीं लेकिन किताब को दो हिस्सों में फाड़ दिया। घर में कोई है? आज जीजा जी चाय पत्ती लेने आए हैं। हमने क्या गलत बोल दिया? जब भी आते हैं कुछ ना कुछ मांगने ही चले आते हैं। लगाम लगा इसकी जबान पे। आई दामाद जी। मतलब तुम लगाओगे लगाम? अपने कुर्ते का बटन लगाना सीख लो पहले, फिर लगाना लगाम। चलो चाय पियो चाय। नमस्कार दामाद जी। जी जी नमस्ते। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये बताइए बड़े साले साहब कहाँ हैं? वो अशोक अपने ऑफिस। पानी तो। अरे भाई वकील साहब। अरे जीजा जी आइए आइए, बैठिए बैठिए। फ्लाइट नहीं पाएंगे आज, आज हम बहुत व्यस्त हैं। अच्छा वैसे बताएं, आज तुम्हें किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि हम तुमसे मशवरा लेने आए। वाह बताइए। अरे एक फ्रॉडिया आदमी है, पैसे लेके बैठ गया हमारे, सही नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक फ्रॉडिया आदमी है, पैसे लेके बैठ गया, दे नहीं रहा, उस चक्कर में परेशान है। और थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो मदद कर पाऊंगा मैं। पान ठूक काटें फिर बताना। हाँ मैडम,
जाने का रास्ता खुल गया है। वेरी गुड, तो फिर ये काम आज रात ही निपट जाना चाहिए। जी, पर मुझे बताइए मुझे करना क्या है। रात का काम है, रात ही को बताऊंगी, पर जरा संभल के। वकील बाबू बहुत शातिर आदमी है, ठीक है? ठीक है। वैसे वकील बाबू को भी नहीं मालूम कि आज रात क्या तूफान आने वाला है। अम्मा बाबू जी खा चुके। अरे वाह भाभी, वाटर सब्जी, क्या सब्जी बनाई आपने? थैंक यू भैया, बनी तो अच्छी है। भाभी मिर्ची ज्यादा है इसमें पर। हाँ बाबू, आपको ना मिर्ची ज्यादा लगती है ना, और जल्दी लगती है। भाभी मीठे में क्या बनाया आपने? खीर। खीर, अरे हमारी फेवरेट। अरे थैंक यू भाभी। मम्मी जल्दी से खीर दो ना प्लीज। पहले खाना फिनिश करो। मुझे इतनी भूख थी, अब खीर खाऊंगी। ले आई भाभी ले आई है, नहीं तो हमारे जो हीर पेट है ना, रांझा खीर के इंतजार में कहीं इसका दम ना निकल जाए। नहीं तो सारा इल्जाम फिर आप पे ही आएगा, आप देख लो। भैया बोलना जरूरी है? अरे यार बाबू, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खराब है यार। सीधे सीधे कह दो ना कि हम पूरे के पूरे खराब है। अरे सुन लो, पूरी तो नहीं, गुस्सा भले होगी लेकिन सब्जी पूरी खत्म करके ही गई है। क्यों छेड़ता है इसको? जा रहे हैं, मना लेंगे। अरे बाबू, मम्मी जल्दी से खीर दो ना। ये खीर खीर क्या चल रहा है? खीर बनाई नहीं, कहाँ से लूं? नूपुर, तूने तो कहा था मम्मी ने खीर बनाई है। हाँ मम्मी ने ही कहा था, है ना मम्मी? आपने ही कहा था ना कि मैंने खीर बनाई है। हाँ मैंने कहा था, कब कहा था? मम्मा ने कब कहा था? ये क्या बात हुई, खीर के चक्कर में मैंने पूरा डाइनिंग टेबल सेट करा था। लेकिन खीर बनाई ही नहीं है, कहाँ से दूँ? गलत बात कर रही हो नूपुर। मैंने मन बना लिया था खीर खाने का। मन बना लिया था? आस्था बुरा लग रहा है ना बेटा? मन दुख रहा है? बहुत। मैं नूपुर से कभी बात नहीं करूंगी, वो बहुत बड़ी चीटर है। मैंने झूठ नहीं बोला दीदी। लेकिन बात तो आस्था सही कह रही है, झूठ बोलते हैं तो बुरा तो लगता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए नूपुर। समझी नूपुर? आस्था बात सिर्फ नूपुर के समझने की नहीं है बेटा, एक खीर के लिए बोले गए झूठ की वजह से कितना बुरा लग रहा है तुम्हें, है ना? तो सोचो कृष्णा को कितना बुरा लगा होगा जब उस पे किताब फाड़ने का इल्जाम लगाया गया। तुम्हें ना फाड़ी थी ना किताब? तो आप सॉरी बोलो। आपने भी तो झूठ बोला कि आपने खीर बनाई है। झूठ नहीं बोला था बेटा, बस तुम्हें ये बताना था कृष्णा जरा यहां आना। आस्था सॉरी बोलो बेटा। सॉरी। सॉरी क्यों? उसे पता है वो किस लिए सॉरी बोल रही है, तुम बस एक्सेप्ट कर लो।
मम्मी क्या हम लोग खीर अपने रूम में खा सकते हैं? ठीक है। इस तरह समझा के भी नहीं समझे, क्या करूँ? कुछ मत करिए, बस धीरज रखे। बच्चों का क्या कसूर, हम खुद ही नहीं संभाल पाए, वक्त तो देना पड़ेगा। अरविंद भैया को और मोहन को खीर दे के आती हूँ, कृष्णा को खाना भी खिलाना है फिर।